आज के वीडियो में जानेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग करके आप हर घंटे के कितने डॉलर कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 1,000 रुपये घंटा आप कमा सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग करके। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूँ फैसल खान, आप देख रहे हैं क्रिएटिव उमेर टेक्निकल चैनल। जी तो दोस्तों, महीने के आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। घंटे के हिसाब से अगर 1,000 हैं या उससे भी ज़्यादा हैं तो महीने का जो भी हिसाब बनेगा वो आप कमा सकते हैं। आप जिस काम में एक्सपर्ट हैं आप वो टीचिंग दे सकते हैं, आप उसका कोर्स बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ऐसा सिखाऊंगा, कौन सा कोर्स बनाऊंगा। आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज ही सिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको हिंदी ज़ुबान आती है या आपको उर्दू आती है या आपको कोई भी ज़ुबान आती है, वो आप ऑनलाइन सिखा सकते हैं। फिर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये तो सब कोई सिखा सकता है, हर किसी को आती है ये लैंग्वेज तो। लेकिन आपको अपना लक आजमाना है, आपको ट्राई मारना है, ट्राई मारते रहना है आपको। आपका लक कभी भी इस्तेमाल हो सकता है, कभी भी आप जो है वो हाई लेवल पे जा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा लॉटरी में जो टिकट हर कोई खरीद रहा होता है, लॉटरी टिकट प्राइज बॉन्ड भी हर कोई खरीद रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों का ही निकलता है। तो आप पीछे मत रहें, अभी आप अपनी लैंग्वेज के लिए आप ऑनलाइन अपनी जो भी दोस्तों, पहली जो आपको वेबसाइट हेल्प करेगी वो है prepay.com। दूसरी वेबसाइट का नाम है italki.com। वेबसाइट्स आपको हेल्प करती हैं कि आप जिसको भी सिखाना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज फ्लुएंटली आप सिखा सकते हैं। ज़्यादा जो आपको 2 लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको इंग्लिश टू उर्दू करना है और या फिर हिंदी टू इंग्लिश आपको कन्वर्ट करना है, वो तो आप ऑनलाइन वैसे भी हाथ के हाथ कर सकते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं, आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी। इनका ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी दुनिया की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख भी सकते हैं, और अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो वो आप सिखा भी सकते हैं। करना आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपना जो है इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना नाम और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप कितने सालों से वो ज़ुबान बोल रहे हैं या आप सीखना चाहते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, एक आपको फ़ोटो लगानी होगी और आपको एक अपनी वीडियो, कुछ सेकंड की वीडियो, ताकि जो भी आपका कस्टमर जैसे सीखना चाहता है आपसे तो आपकी वीडियो को देख के इम्प्रेस होगा। तो आप अगर ज़्यादा वीडियो लगाएंगे उसमें, क्योंकि वो साइड पे आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी। कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आपको वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, लेकिन आप अपनी पसंद की वेबसाइट को सर्वे करने के बाद आप उसको ट्राई मार सकते हैं। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, डिटेल लिखनी, ज़्यादा डिटेल उनको चाहिए भी नहीं। फिर आप जब सिखाते रहेंगे तो फिर आपकी वैसी ही रेटिंग स्टार बढ़ती रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको पहले से ही अपने जो क्लासेस वगैरह होती है, लेसन वगैरह होते हैं, जिस तरह से बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता था आपको भी पढ़ाया गया होगा, उसी तरह से आपको वीडियोस बना के जमा कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप। जैसे एप्पल को इंग्लिश में जो सेब होता है उसको इंग्लिश में एप्पल ही बोलते हैं, फिर रेड एप्पल होता है, इसी तरह से आपको अगर बुक ले लें, कहीं से भी बुक मिल जाए आपको, उसी को आपको ट्रांसलेट करना है। आपको सिर्फ एक सेक्शन बनाना है कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, इस चीज़ को, जैसे इसको हाथ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हैंड बोलते हैं, हिंदी में भी इसको हाथ बोलते हैं, उर्दू में भी हाथ बोलते हैं। अब ये कैप है, इसको उर्दू में भी कैप बोलते हैं, इसको टोपी भी कहते हैं उर्दू में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। इस तरह से आपको फ़ोटो के हिसाब से भी बना सकते हैं आप। जैसे एक तरफ फ़ोटो आ रहा है, एक तरफ आपने लिख दिया कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आप वो भी कर सकते हैं। आप लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिलेगा, आपको ऑनलाइन गूगल पर ट्रांसलेटर मौजूद है, आप वहाँ से सीखते भी जाएँ, उसी तरह उसी टाइम आप वीडियो भी बनाते जाएँ। वीडियो बनाने में ये आसानी होगी कि आपको ऑनलाइन जब भी आपको मौका मिलेगा आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस को वहाँ पे दिखा सकते हैं। आप कहेंगे जी भाई मेरा, आप सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे देंगे, फिर आप उसके फ़ौरन बाद अपनी जो है वो अपने रिकॉर्डेड वीडियो है वो आप अपलोड कर देंगे, वो जो सामने वाला कस्टमर है वो देखता रहेगा। ये या आप अपने इंट्रो भी ना दें, आप डायरेक्ट जो है अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और पहले से आप अपना जो सीखने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, क्योंकि हर वक्त आप तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि या फिर आप अपनी जिस टाइम पे आप तैयार हों, रेडी हों बिल्कुल ऑनलाइन क्लास के लिए, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम कस्टमर जो आपसे सीखना चाहता है ज़ुबान, आप उस टाइम तैयार नहीं हैं या फिर आप कहीं और जा रहे हैं, आपका मूड नहीं है पढ़ाने का, तो आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियोज़ को भी
आप दे सकते हैं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप बिल्कुल भी उसमें अटकेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले से बना चुके हैं। वो रिसर्च करते गए, आप रिकॉर्डेड करते गए, रिसर्च करते गए, आप दूसरी लैंग्वेज में आप उसको रिकॉर्ड करते गए, वो हो जाएगा सेव। जो भी उसमें गलतियाँ आती हैं आप उसमें एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं आएगी और सामने वाला आपकी बातों पर हंसेगा भी नहीं, या फिर आपको अनाड़ी भी नहीं समझेगा, या फिर ये भी नहीं समझेगा कि आपको वो ज़ुबान आती नहीं है। एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता, इतने साल साल से आप अपनी ज़ुबान बोल रहे हो, अपने लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, आप उसमें भी गलती कर जाते हैं, फंबल मार जाते हैं आप, लेकिन फिर भी आप ट्राई तो मारते रहते हैं ना। आप फिर दोबारा गलती से कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी बात पर हंस देता है या आपको समझता है ये कोई और बात थी जिसकी वजह से इसने फंबल मारा या गलती कर दी है। तो दोस्तों आपकी भी रिसर्च से जो है इसमें काम आएगी, आपकी भी मेहनत काम आएगी, इसमें आपको भी अपनी तरफ से जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका टैलेंट है, वो भी आपको इस्तेमाल करना होगा। लैंग्वेज जो है बेहिसाब लैंग्वेज, और आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है सीखने के लिए। यहाँ दोस्तों सुनने में आया है कि बहुत सारे जो अंग्रेज़ हैं उनको शौक़ होता है हिंदी ज़ुबान सीखने का या फिर उर्दू ज़ुबान सीखने का, क्योंकि वो लोग विज़िट करना आ रहे होते हैं, तो विज़िट से पहले वो चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत सीख लें ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, और इंग्लिश भी आती है तो वो ये है कि उनको भी पता रहे कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, कौन सी ज़ुबान पर बात कर रहा है। इसलिए अंग्रेज़ जो हैं वो पहले से तैयारी करके आते हैं, चाहे वो विज़िट कर रहे हैं या जॉब के लिए आए या जो भी उनका दिल करता है कि वो आउटिंग के लिए जाएं। तो हमारा टॉपिक ये है कि ऑनलाइन टीचिंग करके आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको टीचिंग करने का शौक़ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ, और टीचिंग के ज़ुबान के अलावा भी, लैंग्वेज के अलावा भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप जो भी आपका टैलेंट है आप उस टैलेंट को इस्तेमाल करें, जैसे आप कुकिंग जानते हैं, कुकिंग की भी वीडियोस बनाएं, आप वहाँ वेबसाइट पे अपलोड करें, आप वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग भी दे सकते हैं, आप रिकॉर्डेड टीचिंग भी दे सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी टाइम पर आपको ऑनलाइन होना है, आप ऑनलाइन होकर भी आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस पर अपनी टीचिंग दे सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि आप इससे अच्छे यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे अर्निंग के लिए आपका चैनल मोनिटाइज अगर है तभी आपको अर्निंग होगी, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब तक 4,000 वाचवर नहीं हो जाते और 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, जब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती। वो भी व्यूज़ के ऊपर है कि आपके एक वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे, उस व्यूज़ के हिसाब से फिर उसके वाचवर भी जो है काउंट होगा, कि व्यूज़ तो है लेकिन वाचवर के हिसाब से भी उस पर काउंट होगा। तो इसलिए ये ऑनलाइन टीचिंग भी आप वेबसाइट के ज़रिए भी करें, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं आपके पास, जैसे आप मोबाइल के बारे में भी बता सकते हैं, हर तरह की मालूमात दे सकते हैं। हम ऑनलाइन इसकी जो मोबाइल जब ख़राब हो जाता है तो इसकी रिपेयरिंग की भी आप क्लास दे सकते हैं, आप ट्रैवल टिप्स भी दे सकते हैं, बहुत सारी मालूमात हैं आपके पास, वो आप दे सकते हैं। जी तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।